ओम शांति। 2 अप्रैल 70 अव्यक्तवाणी संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। 1 सेकेंड में आवाज़ से परे होना आता है। जैसे आवाज़ में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसे ही आवाज़ से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसीलिए 1 सेकेंड में आवाज़ में आना, 1 सेकेंड में आवाज़ से परे हो जाना। इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा। तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती है। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसकी भेंट में सफलता कम है। आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। देखे किसको टच होती है, कौन सी बात चेक कर रहे थे। जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते हैं। यह जो भट्टी हुई उन्होंने का पेपर नहीं लिया है, तो आज पेपर लेते हैं। पास तो सभी हो ही, एक होते हैं पास, दूसरे होते हैं पास विथ ऑनर। पांडव सेना जो है वह शक्तियों के आगे रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे रहते हैं। गोपन से आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो, आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। अपनी रुकावट रोक सकती है, बाकी कोई के रोकने से नहीं रुक सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले, कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे रहता है। तो गाइड तो आगे है ही, नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है, गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है, इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन सी पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई है? अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी न रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे, उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की है। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी, तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट दिखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप में नहीं बने हैं, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है, उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है, वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है।
यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है, यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। चार सब्जेक्ट्स विशेष ध्यान में रखनी है, एक याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। यह चार बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थी। इन चार बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली, हर्ष की ही रिजल्ट है। सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है, बल चारों ही है लेकिन चारों की ही समानता हो उसमें परसेंटेज की कमी है, तो रिजल्ट क्या हुई, 75% पास। बाकी जो 25% कमी है वह सिर्फ उनकी है कि सर्व बल समान हो, कोई में कोई बल विशेष है, कोई में कोई बल विशेष है, चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी। जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना, तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इसी हिम्मत में रहते रहेंगे तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धियोग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थ है उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी वा नहीं वह फिर है अंत तक हम हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलप कर सकता है। अगर अभी भी कारणे अकारणे बहुत समय से हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है, इसलिए अब यही लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। अभी तक टोटल रिजल्ट में क्या देखा, सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता है लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है, समझा। साकार रूप में अनुभव देखा, साकार रूप में सर्विस की जिम्मेवारी सभी से ज़्यादा थी, बच्चों में उनसे कितनी कम है, बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटी थी। संकल्पों का सागर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों में थे फिर भी सागर की लहरों में देखते थे व सागर के तले में देखते थे। बच्चों को लहरों में लहराना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता। उनका सहज साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो, अभी अभी आवाज़ में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन अभी अभी आवाज़ से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। कितने भी कारोबार में हो लेकिन बीच बीच में एक सेकेंड भी निकाल कर इसका जितना अभ्यास जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है इसीलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं। कभी सागर की लहरों में कभी तले में यह अभ्यास करो। आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है उतनी ही शक्ति है। साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति कितनी है यह देख रहे थे। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, बाकी पांडवों की बात रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं, औरों को न देख अपनी लाइन को तो देखते होंगे वा लाइन को भी न देख अपने को देखते हो। एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बताओ आप किस लाइन में हो। जब ऐसा समय जल्दी आएगा जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो, नहीं हम सभी जानते हैं क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है ना।
सभी शक्तियाँ समान रूप में ही जाएंगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है ही। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जावेगी? निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। हम विजयी बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी, सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्व संकल्पों से भी त्यागी, यही संपूर्ण स्थिति है। बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा, तो बाप दादा की लिस्ट में विजयी सितारे हो। जैसे और कार्य में एक दो के सहयोगी हो, वैसे ही भविष्य में भी एक दो के सहयोगी देखने में आ रहे हो। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो, इतना ही समीप आना है जितना अब आवाज कर रहे हैं और पहुंच रहा है। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है, कर रहे हो और करते ही रहेंगे। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था वह क्या कर रहे हैं? किस लिए संगठन बनाया था? यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते हैं वह यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते हैं। इस संगठन को क्या क्या करना है यह उनको भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपनी ग्रुप की फिर कब देखरेख की? पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था उसका क्या हालचाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देखरेख कर सकेंगे। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है, सिर्फ 8 दिन का नहीं। सम्मेलन की रिजल्ट, जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान हो, उसमें 25% की कमी सुनाई, समझा? पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता, सब पास, समीप आ जाते। अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की है। इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए, कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की, लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार न होने का भी कारण है, सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकलता है। अब ललकार नहीं निकलती है, आवाज फैलाया है, सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है। ललकार न होने का कारण क्या है बताओ? ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी अपने संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार न हो तब ललकार हो। अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल्प पहले फिक्स हुए रिजल्ट है वह अब नहीं है, उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है, समझा? अपनेपन को भी अंगीकार न करें। मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करता हूँ, यह किया, इस सब का मैंपन निकल कर बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है, तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में सभी दिखाया। अब कहा कि मैं यह कर चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई,
कब कहा? मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कब कहा? यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है। इसको कहा जाता है जो वायदा किया है वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम्ही पर मिटेंगे हम, याद आता है? मर मिटना किसको कहा जाता है? मैं पन मिटना, यही मर मिटना है। अंगीकार न करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात, न निंदा न स्तुति, न मैं न तुम न मेरा तेरा, कुछ भी अंगीकार स्वीकार न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही वहां पहुंच जाता है। क्यों पहले पहुंचता है, यह भी गुह्य पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है, इसलिए ड्रामा की नूंद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते, इसलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं। पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। फिर जब आप लोग पाठ बजाते हो, बाप दादा भी पाठ बजाते हैं। आप रूह रूहान का पाठ बजाते हो, बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं। समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे उतना ही समीप आएंगे। कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा। यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ लेना है। अच्छा, ओम शांति।